हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेल आईब्रोज कैसे बनाई जाती है। फीमेल आईब्रोज तो आप लोग सीखते रहते हैं हमेशा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें मेल आईब्रोज भी बनानी पड़ती है। कई सारे जो जेंट्स सैलून चला रहे हैं वो लोग मेल आईब्रोज तो हमेशा करते हैं, तो कई बार मैंने नोटिस किया है कि वो लोग आईब्रोज को दोनों साइड से बना के पतला कर देते हैं, ऐसे जैसे एक लेडीज का लुक होता है। तो जेंट्स होते हैं देखने में बहुत गंदे लगते हैं उस समय, और स्पेशली जब उनकी वेडिंग हो रही होती है, अगर उस समय ऐसा काम हो जाए तो आपको पता है कि पूरी फोटोज उनकी खराब हो जाएंगी। तो हमारी रिक्वेस्ट रहती है जो जेंट्स सैलून चलाते हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो मेल आईब्रोज होती है बिल्कुल एक्स्ट्रा हेयर निकाल के बनानी चाहिए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरीके से आपको मेल आईब्रोज करनी है, क्योंकि बहुत सारे जेंट्स सैलून वाले भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो वीडियोस देखते हैं, तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेगी। और फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट भी कीजिए ताकि पता लगे कि आप लोग कितने जेंट्स लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं जो जेंट्स सैलून चलाते हैं, तो अच्छा लगेगा हमको देखकर। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आईब्रोज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या होता है, पाउडर की एप्लीकेशन करनी होती है। पाउडर मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि टेलकम पाउडर लेना है, और हमेशा आप लोग कॉटन का यूज कीजिए। कोई भी किसी तरीके का आप पफ यूज मत कीजिए, बार बार हर किसी की आईब्रोज पे एक सा मत लगाइए। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं आईब्रो करने जा रही हूँ वो मेरे हस्बैंड के ऊपर ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये भी कई बार बाहर से करा के आए और तो जब फर्स्ट टाइम ये करा के आए थे तो पूरी ऊपर और नीचे से शेप दे रही थी। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरीके से मैं इनकी आईब्रोज करती हूँ। तो सबसे पहले आप बालों को इस तरीके से अपर साइड में लेंगे, आपको दिख रहे हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बाल जो ऊपर हैं, इस तरीके से आप इनको कट करेंगे। हमेशा सीजर को स्ट्रेट रखेंगे, नीचे झुकाना नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। वैसे तो जेंट्स का इतना ही हो जाए कि कट हो जाए तब भी लुक आ जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बताऊंगी किस तरीके से आप लोग शेप देंगे। इस तरीके से आपने दोनों साइड से कट कर दिया आईब्रोज को। इसके बाद देखिए, जैसे इस तरीके से बीच में एक लंबा बाल आ रहा है, आप इसको इस तरीके से सीजर को रख के कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे कट कर लीजिए। तो आईब्रोज के लिए सबसे पहले आप फ्रंट से बनाना शुरू करेंगे यहाँ से, और एकदम एक्स्ट्रा हेयर को ही आप निकालेंगे। बिल्कुल भी आईब्रोज को पतला नहीं करना, केवल एक्स्ट्रा हेयर आप लोगों को निकालने हैं। अब आप साइड में आ जाएंगे, लेकिन देखिए साइड पे बहुत ज्यादा बाल नहीं है, ये एक दो बाल है, इनको मैं निकालूंगी। इस तरीके से आप बाल निकाल के, और चाहे तो फोरहेड कर दीजिए, फोरहेड में कोई दिक्कत नहीं है, फोरहेड से फिनिशिंग आ जाती है, फोरहेड आप लोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग फोरहेड पे थ्रेड को चलाएंगे। ये आईब्रोज की प्रॉपर शेप हो गई है, इससे ज्यादा आपको ऐसा नहीं करना कि नीचे से भी बाल निकाल दिए, गलत चीज है, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, बहुत गंदा लुक आता है इससे जो जेंट्स होते हैं उनका। इसके बाद मैं करूंगी सेंटर से आईब्रोज, इसके बाद मैं आ गई लेफ्ट साइड जिसमें कि मैं पीछे खड़ी होकर आईब्रोज कर रही हूं। जब भी हम लोग फोरहेड करेंगे, अगर हम क्योंकि पता नहीं लगता कई बार बाल रह जाते हैं, अगर आप इस साइड कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखेंगे, पहले आप इतने हिस्से को कीजिए, फिर आप इतने हिस्से को कीजिए, फिर इतने, अगर आप इस तरीके से बांट के काम को करेंगे तो आपका काम जो है प्रॉपर होगा, सारे बाल अच्छे से रिमूव होंगे। तो इस तरीके से मैंने जैसे धीरे धीरे मैं ऊपर आती गई और यहाँ का एरिया क्लीन हो गया। इसके बाद मैं यहाँ से करूंगी, तो आप धीरे धीरे ऊपर की साइड आते जाएंगे, तो
इससे क्या होगा, सारे बाल जो हैं बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। अब सेंटर में करूंगी, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप मेल आईब्रोज करेंगे। जितनी भी मेरी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी अपने हस्बैंड की आईब्रोज को करके ऐसे चेक करके देख सकते हैं आप लोग। आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने हस्बैंड्स के ऊपर कीजिए, भाइयों के ऊपर कीजिए, क्योंकि सब लोग कराते हैं आजकल, पहले जैसा नहीं रह गया, पहले जेंट्स नहीं कराते थे, अब सब कराते हैं, तो आप किसी पे भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमेशा याद रखेंगे रिलैक्सिंग मसाज का, वो आप अपने क्लाइंट को जरूर देंगे, और अगर आप अपने हस्बैंड पे कर रहे हैं तब जरूर देनी है आपको 2 मिनट की मसाज। तो इस तरीके से आप लोग पहले सेंटर में मसाज देंगे और इस तरीके से आईब्रोज को प्रेशर देते हुए एंड्स तक मसाज देंगे, फिर सेंटर में देंगे। इसके बाद फिर मैं राइट साइड की आईब्रोज पे आ गई, इस तरीके से एंड तक मसाज दिया मैंने। इसके बाद थोड़े से प्रेशर पॉइंट्स, थोड़ी आईज को रिलैक्स करने के लिए मसाज, एंड ऑफ द आईब्रोज प्रेशर पॉइंट। इस तरीके से आप जब भी अपना काम करेंगे, भले वो मेल हो फीमेल हो, कोई जेंट्स पार्लर चलाता हो चाहे लेडीज पार्लर चलाता हो, इस तरीके से अगर आप अपने काम को करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और आपका जो क्लाइंट है हमेशा आपके साथ लंबे समय के लिए जुड़ा रहेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो मेल आईब्रोज का कम्प्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल सुमानसी सहगल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।